दोस्तों, बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हो तो फर्स्ट बेंचेस के साथ बैठो, और अगर आप जिंदगी में टॉप करना चाहते हो तो बैक बेंचेस के साथ बैठा करो, और किसी के गधा बोलने पर खुद को गधा मान लेते हो, और किसी के शेर बोलने पर खुद को शेर मान लेते हो, और तो जान लो कि तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, वो इंसान ही क्या जो दूसरों के मुताबिक खुद को राह बना ले। और हर कामयाब तो वो होता है जिंदगी में जो अपनी राह खुद बना ले। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो, इसलिए आपको चाहिए कि कभी अपने काम को मत छोड़ो। अपने गोल्स को हासिल करना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आप किसी को पसंद हो तो किसी को नापसंद, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिन लोगों को इस चीज़ की फिक्र होती है तो वो कभी भी अपने पसंद की चीज़ें नहीं खरीद पाते, और अगर कभी महसूस हो कि आपको आपकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत में कहीं कुछ कमी हो। उस कमी को ढूंढो और उस पर काम करो, और कामयाब लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और एक दिन उन्हें ताकत में बदल लेते हैं। और याद रखना कि कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, और तब चीज़ें के खोने पे परेशान मत होना, क्योंकि आज बहुत से लोग अपनी परेशानियों को लेकर बैठे हुए हैं, वो इन्हीं में उलझे हुए हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए किसी भी चीज़ की टेंशन सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए जितनी बनती है। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन, ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियाँ करती हैं, और ऐसे ही में ना तो आप सही से अपने गोल पर काम करते हैं और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्त, मेहनत पूरी करो, कोशिश पूरी करो, लेकिन टेंशन से दूर ही रहो। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन पर देना चाहिए। और अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो वो करें जो काम लोगों ने किए। याद रखें, ना तो कामयाब कोई इंसान पहली बार में कामयाब हुआ था और ना ही तुम होगे, ना उसने कोशिश छोड़ी थी और ना ही तुम छोड़ोगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आपको उनके काम कर रहे हो तो आपका काम कौन करेगा। आज अफसोस इसी बात का है कि लोग दूसरों के बारे में तो सोचते हैं मगर अपने बारे में नहीं सोचते। वो दूसरों को तो कामयाब होता हुआ तो देखते हैं मगर खुद को कामयाब बनाने में कुछ नहीं करते।